हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। 2 जुलाई को हुए कानपुर एनकाउंटर के बाद सरकार ने शहीदों को उचित सम्मान और 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान किया था। वो आर्थिक मदद सरकार की तरफ से शहीदों के परिवार को दी भी गई, लेकिन इस आर्थिक मदद के कार्यक्रम में यूपी सरकार के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री इवेंट बनाते हुए दिखे। इवेंट मंत्री जी का काम था कि वो शहीद के घर जाएं, धनराशि दें, परिवार का ढांढस बंधाएं और हर मदद का भरोसा देकर लौट आए, लेकिन मंत्री जी गए, धनराशि दी और खूब इसका ढिंढोरा पीटा। इन्हें आप ठीक से नहीं पहचानते तो हम आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश के आबकारी मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री हैं, जो कल झांसी के भोजला गांव में कानपुर के शहीद सुल्तान सिंह के घर पहुंचे। राम नरेश अग्निहोत्री सरकार की तरफ से 1 करोड़ की मदद राशि देने गए थे और ये है मदद का वो चेक। लाख का पहला चेक पिता को दिया गया और 80 लाख का दूसरा चेक शहीद सुल्तान सिंह की पत्नी उर्मिला वर्मा को, वो भी बारी बारी बुलाकर और फोटो खिंचवा कर। डमी चेक देने से पहले और चेक देने तक पूरा प्रचार किया गया। मंत्री जी चाहते तो सादे भाव से शहीद के घर जाकर मदद की धनराशि दे सकते थे, लेकिन 1 करोड़ का चेक देने से पहले ढिंढोरा पिटवाया गया। बाकायदा इतना बड़ा डमी चेक छपवाया गया, फिर मंत्री जी ने चेक देकर अपनी ब्रांडिंग की। 20 लाख रुपए तो आपके लिए है, परिवार के लिए ज्यादा है। 80 वाला रूम जाएगा, 20 वाला है। दादा यहाँ देखिए, दादा दादा यहाँ देखिए। पिता का चेक 20 लाख रुपए का था, लेकिन शहीद सुल्तान सिंह की पत्नी का चेक 80 लाख रुपए का, इसलिए मंत्री जी ने पत्नी को अलग से बुलवा कर फोटो सेशन करवाया। मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री जब मदद का प्रदर्शन कर रहे थे, तभी शहीद सुल्तान सिंह की पत्नी ने उनसे पूछ लिया कि चेक तो ठीक है, इंसाफ कब मिलेगा। 5 दिन हो गए, क्या हुआ बताइए। कार्रवाई हो रही है, पुलिस लगी, 20 टीमें लगी है पुलिस की, एक नहीं गिरफ्त में नहीं आ रहा। सरकार आपके साथ है, हम लोग आपके साथ हैं। अच्छा होता कि मदद के प्रदर्शन की जगह शहीद की पत्नी को उनके सवाल का ठोस जवाब मिल पाता और वही यूपी सरकार की सबसे बड़ी ब्रांडिंग होती, लेकिन इतनी बड़ी वारदात पर दावे खूब हो रहे हैं, मगर अब तक सब खाली हाथ है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदार किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के अपने जवानों के शहादत और उनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने दिया जाएगा। आरोप है कि विकास दुबे अब तक इसलिए बच रहा है क्योंकि नेता नगरी में उसकी अच्छी खासी पैठ है, जिसकी परतें रोज खुलकर सामने आ रही हैं। बीएसपी और बीजेपी में उसके लिंक तो पहले ही सामने आ चुके हैं, अब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक सतीश निगम के साथ भी विकास दुबे एक पार्टी में दिख रहा है। हालांकि सतीश निगम ने विकास से किसी भी संबंध को नकार दिया है। सतीश निगम ही नहीं, अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री रहे शिव कुमार बेरिया के साथ भी विकास दुबे दिखा था। इस तस्वीर को गौर से देखिए, आगे आगे बेरिया है और पीछे पीछे विकास दुबे, लेकिन इस तस्वीर में सबसे अहम है हंसी ठिठोली वाली ये जगह। बैकग्राउंड को जरा गौर से देखिए, ये विकास दुबे का घर है, वही घर जहां से उसने पुलिस वालों पर गोली चलाई और उनकी हत्या कर दी। तस्वीर के बैकग्राउंड में लोहे की जैसी जाली दिख रही है, वैसी ही जाली एनकाउंटर के बाद भी दिखी थी। आशंका है कि तस्वीर में दिखने वाली जगह वही है जहां से विकास दुबे ने 8 पुलिस वालों की हत्या कर दी। तो सवाल है कि क्या पूर्व एसपी नेता शिव कुमार बेरिया विकास दुबे के घर जाते थे। हालांकि शिव कुमार बेरिया अब शिवपाल यादव की प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में है। एबीपी न्यूज के पास विकास दुबे के पॉलिटिकल लिंक्स के कुछ और सबूत हैं। ये देखिए समाजवादी पार्टी का सदस्यता फॉर्म।
साल 2015 में विकास की पत्नी ऋचा 20,000 रुपए देकर समाजवादी पार्टी की आजीवन सदस्य बनी थी और उसी साल समाजवादी पार्टी के समर्थन से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव भी लड़ा था। विकास दुबे ने खुद बताया था कि वो बीएसपी से जुड़ा है और उसे टिकट मिलने वाला है। उसने बीजेपी सांसदों के साथ का भी जिक्र किया था और अब समाजवादी पार्टी से भी उसके जुड़े होने के सबूत हैं। शायद राजनीति में विकास दुबे की गहरी पैठ होना ही वो वजह है जिसके कारण वो अब तक बच रहा है। ऐसा कोई दल नहीं जिसके पास ये बाहुबल नहीं।